नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया है एमपी अब तक का। मध्य प्रदेश में सरकार के फैसले पर सियासत गर्मा गई है। प्रदेश में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने खुले में मास्क बिक्री और तेज लाउडस्पीकर बजाने पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। निर्देश के बाद प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है। उधर सरकार के फैसले पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। नए फरमान के बाद बेचैन हो गई है कांग्रेस। ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में मास्क बिक्री और लाउडस्पीकर पर कार्रवाई शुरू हो गई है। उज्जैन में नगर निगम ने खुले में मास्क बेचने पर कार्रवाई शुरू कर दी है। उधर अशोकनगर में 4 डीजे संचालकों पर कार्रवाई की गई। सरकार के आदेश के बाद प्रशासन सख्त हो गया है। एक तरफ प्रशासन एक्शन मोड में है, दूसरी तरफ सरकार के फैसले पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने सरकार के फैसले को भ्रम फैलाने वाला बताया। उमंग सिंघार ने कहा कि ये मुख्यमंत्री का नहीं आरएसएस का एजेंडा है। देखिए, दोनों फैसले ऐसे हैं जिसका कोई स्वागत नहीं करेगा, क्योंकि स्वागत करते महंगाई पर, अगर ये बात करते नौजवानों के रोजगार पर, ये किसानों पर, तो हम लोग स्वागत करते। ये फैसले केवल भ्रम फैलाने वाले हैं। इन तमाम चीजों में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, शासन की गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन का सब पालन करते आ रहे हैं, वही करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कौन नहीं मानेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहाँ प्रतिबंध करा, उसमें तो कहीं सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध का शब्द का इस्तेमाल मेरे ख्याल से नहीं करा। और अध्ययन कर ले, ये मुख्यमंत्री जी का एजेंडा नहीं है, ये आरएसएस का एजेंडा है। और मैंने तो मेरे ट्वीट के माध्यम से कहा था कि सबसे पहले महाकाल से शुरुआत करें। आप महाकाल से हो, उज्जैन नगरी से, तो वहां पर जो शुल्क लगता श्रद्धालुओं को, वो क्यों नहीं बंद कर रहे। कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने कहा कि सरकार को सबसे पहले शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे बेरोजगारी खत्म हो। बेरोजगार युवाओं पर सरकार क्या नीति बना रही है, ये जरूरी है। मेरा तो इसमें ये राय है कि कोई भी सरकार हो, कोई भी मुख्यमंत्री हो, सबसे पहले हमें ध्यान देना चाहिए शिक्षा के ऊपर। और शिक्षा हम ऐसी दें जिसके माध्यम से जो हमारे आज शिक्षित युवा हैं, जो बेरोजगार घूम रहे हैं, भाजपा के राज से परेशान रहे हैं, जिनको ये वादा दिया गया था कि 1,00,000 नौकरियां दी जाएंगी 2023 में, जो नहीं मिल पाई युवाओं को, उसके लिए जो वर्तमान सरकार है, नए मुख्यमंत्री जी हैं, उसके बारे में वो क्या कहेंगे, बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिलने के लिए क्या नीतियां बनाएंगे, क्या कदम उठाएंगे, इस पर सुनना चाहते हैं। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि सरकार का फैसला स्वागत योग्य है, सबको कानून के हिसाब से चलना होगा। तो कांग्रेस को क्या मस्जिद के लाउड स्पीकर से इतनी मोहब्बत है क्या? कहना क्या चाहती कांग्रेस? कौन से लाउड स्पीकर? सुप्रीम कोर्ट से बड़ी हो गई कांग्रेस? सुप्रीम कोर्ट को नजरअंदाज करेगी कांग्रेस? लाउड स्पीकर ध्वनि नियंत्रण कानून है भारत में, कोलाहल एक्ट है, उस एक्ट का पालन नहीं करेंगे? और अगर सरकार ने निर्णय लिया तो उनको हर चीज पर आपत्ति होने लगी। कांग्रेस से पूछ कर करेंगे? तुम्हारा माइक बज रहा है सुबह से, लोगों लोग बच्चों की परीक्षाएं चल रही, जब जिसकी मर्जी होती है माइक चलाने लगते हो, जब जिसकी मर्जी होती है छाती पीटने लगते हो। मध्य प्रदेश में फिलहाल खुले में मास्क बिक्री और लाउड स्पीकर पर लिए गए फैसले पर सियासत जारी है। कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है, तो प्रशासन एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। वहीं पहली कैबिनेट के फैसलों को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दिया है बड़ा बयान। कहा कि मोदी की गारंटी बीजेपी का भरोसा है। जहां सीएम ने पहली कैबिनेट में पीएम मोदी की गारंटी निभाने का काम किया कि इस देश के अंदर गारंटी की गारंटी कोई है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। मोदी जी की गारंटी, भारतीय जनता पार्टी का भरोसा। हमने जो संकल्प पत्र जारी किया था, संकल्प पत्र के अंदर पहली कैबिनेट शपथ ग्रहण करने के तत्काल बाद हमारे मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई देता हूं कि मोदी जी की गारंटी को पूरा करने में सबसे पहली भूमिका निभाने का काम हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने किया। तो बीजेपी के नेता जहां फैसलों के साथ हैं, तो वहीं सरकार के फैसले पर पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने निशाना साधा है। कमलनाथ ने कहा कि फैसले कुछ हो लेकिन समाज में विवाद नहीं होना चाहिए। क्या कहा, आइए सुनवाते हैं। देखिए, ये कुछ ना कुछ बहाना विवाद के लिए ढूंढ रहे हैं। कुछ भी करें,
समाज में विवाद नहीं होना चाहिए। ये हमारा लक्ष्य है कि हमारी संस्कृति जुड़ के रहने की है, प्यार मोहब्बत की है। ग्वालियर जयभान पवैया, ग्वालियर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जयभान पवैया का कांग्रेस पर निशाना, सरकार के फैसलों पर सवाल उठाने पर पलटवार। हार के बाद भी किसके साथ खड़ी है कांग्रेस, उठाया सवाल। कहा कि क्या कसाईयों के साथ कांग्रेस खड़ी है, कांग्रेस को क्यों सद्बुद्धि नहीं आ रही। सीएम के आदेश से सनातनियों की आत्मा गदगद है, ये कहना है जयभान पवैया का। और ये कहते हुए जयभान पवैया ने कांग्रेस पर सवाल भी खड़े किए हैं। कांग्रेसियों को आपत्ति हो रही है कि हम मांस और अंडे की खुली बिक्री पर प्रतिबंध क्यों लगा रहे हैं। मैं कांग्रेसियों से पूछना चाहता हूं कि इतनी करारी पराजय के बाद भी कसाईयों के पक्ष में फिर खड़े हो रहे हो, सद्बुद्धि नहीं आती कांग्रेसियों को। देखिए, मैं मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को हृदय से साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं। मेरे जैसे सनातनी की आत्मा तो आज गदगद हो गई है। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आदेश के बाद प्रशासन एक्शन में आ गया है। उज्जैन में खुले में मांस बेचने वालों के खिलाफ निगम ने कार्रवाई की, तो वहीं अशोकनगर में 4 डीजे संचालकों के खिलाफ एक्शन लिया गया है। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, किस तरह से एक्शन मोड में आ रहा है प्रशासन वो आपको दिखाई दे रहा होगा। उज्जैन और अशोकनगर की तस्वीरें, उज्जैन में जो खुले में मांस बेच रहे थे उन पर कार्रवाई की गई, अशोकनगर में जो 4 डीजे संचालक थे उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। तो उज्जैन की तस्वीरें हमने आपको दिखाई जहां पर खुले में मांस बेचने पर कार्रवाई की गई है। नगर निगम ने यहां पर कार्रवाई शुरू कर दी, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आदेश जारी किया था, उसके बाद एक्शन में दिखाई दिया है प्रशासन। मध्य प्रदेश में नई सरकार के बाद अब मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा तेज हो गई है। इस बार ग्वालियर चंबल से जीते विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल होने की उम्मीद है। इससे पहले चंबल इलाके से 2 फेज सीएम की चर्चा में थे, लेकिन उनकी आस पूरी नहीं हो पाई। ऐसे में अब मंत्रिमंडल को लेकर जीते हुए विधायकों को पार्टी से उम्मीदें हैं। सबसे पहले बात उनकी करते हैं जो सबसे आगे हैं। ग्वालियर विधानसभा से प्रद्युम्न सिंह तोमर, ग्वालियर दक्षिण से नारायण सिंह कुशवाहा, मुरैना जिले की सुमावली विधानसभा से ऐंदल सिंह कसाना, भिंड विधानसभा से नरेंद्र कुशवाहा, मेहगांव विधानसभा से राकेश शुक्ला, शिवपुरी विधानसभा से देवेंद्र कुमार जैन और कोलारस विधानसभा से महेंद्र सिंह यादव मंत्री पद के दावेदार बताए जा रहे हैं। इसके अलावा करेरा विधानसभा से रमेश खटीक, गुना विधानसभा से पन्नालाल शाक्य और अशोकनगर जिले से मुंगावली विधानसभा से ब्रजेंद्र सिंह यादव भी मंत्री पद की रेस में हैं। बीजेपी के कई नेता ऐसे भी हैं जो कांग्रेस के बड़े नेताओं को हराकर विधानसभा पहुंचे हैं। ऐसे में ये नेता भी मंत्रिमंडल के लिए बड़े दावेदार माने जा रहे हैं। भितरवार विधानसभा से मोहन सिंह राठौड़ ने कांग्रेस के पूर्व मंत्री और 4 बार के विधायक लाखन सिंह को हराया। लहार विधानसभा से अमरीश शर्मा उर्फ गुड्डू साल 1990 से लगातार विधायक और नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह को हराया है। पिछोर से प्रीतम लोधी जीते हैं। ये सीट कांग्रेस का अभेद किला मानी जाती थी। जी, उम्मीद तो मुख्यमंत्री की भी थी। ग्वालियर से नरेंद्र सिंह तोमर जी थे, सिंधिया जी थे, काफ़ी आशा थी कि ग्वालियर चंबल क्षेत्र से कोई मुख्यमंत्री होगा तो कुछ डेवलपमेंट होगा, क्योंकि पिछले 20 सालों में ग्वालियर चंबल क्षेत्र लगातार अन्य क्षेत्रों से पिछड़ता जा रहा है। अब नए मुख्यमंत्री बने हैं, नए मुख्यमंत्री हैं तो उम्मीद की जाती है कि ग्वालियर चंबल से भी नए लोगों को मौका दिया जाए। उधर कांग्रेस का कहना है कि ग्वालियर चंबल में कामयाबी के बाद उम्मीद थी कि बीजेपी यहां से सीएम बनाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अब उम्मीद ये है कि मंत्रिमंडल में ग्वालियर चंबल को अच्छा प्रतिनिधित्व मिलेगा। लेकिन चूंकि पहले भी ग्वालियर चंबल संभाग को अच्छा प्रतिनिधित्व मंत्रिमंडल में मिला था, तो इस बार भी मुझे लगता है कि अच्छा प्रतिनिधित्व मिलेगा। और इस अंचल का निवासी होने के नाते मेरी अपेक्षा भी है, मेरी आशा भी है और आग्रह भी है कि इस क्षेत्र के विकास के लिए मंत्रिमंडल पर्याप्त समय से मिले।
ग्वालियर चंबल अंचल से साल 2020 में 9 मंत्री बनाए गए थे, जिनमें 4 कैबिनेट मंत्री और 5 राज्य मंत्री शामिल थे। 2018 की तुलना में इस बार बीजेपी ने ग्वालियर चंबल में रिकॉर्ड 18 सीटों पर जीत दर्ज की है। ऐसे में यहां से 7 से 10 मंत्री बनाए जा सकते हैं, हालांकि फैसला आलाकमान को करना है। सुशील कौशिक, न्यूज 18, ग्वालियर। मध्य प्रदेश में नई विधानसभा का विशेष सत्र 18 दिसंबर से शुरू होगा, जो 21 तारीख तक चलेगा। इस दौरान प्रोटेम स्पीकर गोपाल भार्गव नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाएंगे। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। तो विशेष सत्र की तारीख सामने आ गई है, 18 से 21 तारीख तक ये स्पेशल सेशन चलेगा। जो प्रोटेम स्पीकर हैं गोपाल भार्गव, वो नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाएंगे और उसके बाद होगा विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव। मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक दल का नेता कौन होगा, इसका फैसला अब दिल्ली में होगा। भोपाल में विधायक दल की बैठक में एक लाइन का प्रस्ताव पास किया गया, जिसमें विधायक दल के नेता चुनने की जिम्मेदारी हाईकमान को सौंपी गई। मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, इसका फैसला अब दिल्ली में किया जाएगा। भोपाल में कांग्रेस विधायक दल की बैठक में एक लाइन का प्रस्ताव पास किया गया, जिसमें कांग्रेस विधायक दल का नेता और नेता प्रतिपक्ष के नाम पर अंतिम मोहर लगाने का अधिकार हाईकमान को दे दिया गया। नेता प्रतिपक्ष का, चूंकि सभी विधायकों ने पार्टी हाईकमान में विश्वास जताया, उस सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया कि हाईकमान तय करे नेता प्रतिपक्ष। कोई नहीं, कोई किसी के नाम पे चर्चा नहीं हुई, एक लाइन में प्रस्ताव पारित किया गया। वहीं कांग्रेस विधायक दल की बैठक को लेकर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस में हर गुट का एक नेता प्रतिपक्ष है, कांग्रेस में सबके अपने अपने नेता हैं। भोपाल में हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक में प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला भी शामिल हुए, लेकिन पीसीसी चीफ कमलनाथ इस बैठक में नहीं पहुंचे। बताएं कि 18 दिसंबर से एमपी विधानसभा का विशेष सत्र है। इससे पहले कांग्रेस हाईकमान कांग्रेस विधायक दल के नेता पद पर नाम तय कर सकती है। वहीं बुरहानपुर में नए सीएम डॉक्टर मोहन यादव को बधाई देने वाले पोस्टर और बैनर चर्चा का विषय बने हुए हैं। पोस्टर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव को कांग्रेस के नेता अरुण यादव बधाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, इस पोस्टर में पूर्व मंत्री सचिन यादव और कांग्रेस की निगम अध्यक्ष अनीता यादव की तस्वीर भी लगी हुई है। पोस्टर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव और अरुण यादव को एक मंच पर बैठे हुए दिखाया गया है। इस पोस्टर के आने के बाद एमपी के सियासी गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म है। वहीं बीजेपी और कांग्रेस ने इसे सामाजिक पोस्टर बताया है। वहीं भोपाल में मोहन सरकार में पहला बुलडोजर एक्शन हुआ है। आरोपी फारूक के अवैध निर्माण पर निगम का बुलडोजर चला है। बता दें कि फारूक बीजेपी कार्यकर्ता पर हमले का आरोपी है। एनएसए के तहत ये कार्रवाई की गई। रीवा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 8 ट्रक अवैध धान जब्त किया गया। ट्रक में लोड था 2331 क्विंटल धान। यूपी से एमपी में धान खपाने की तैयारी थी, अब खाद्य विभाग की टीम जांच कर रही है। दतिया से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, खाद की किल्लत से किसान परेशान था। कई दिनों बाद भी खाद नहीं मिल पा रही है। प्रशासन ने नहीं किया इंतजाम, प्रशासन कम सप्लाई की दे रहा है दलील। तो खाद की किल्लत से यहां किसान परेशान हैं। कई दिन गुजर गए हैं, उसके बावजूद भी खाद नहीं मिल पा रही है। प्रशासन की ओर से इंतजाम नहीं किया गया है। आ रहा है,
आगे बाद से भी पर्ची नहीं मिल रही, व्यापारियों को खाद बैठ जाओ, हम लोग परेशान हो रहे हैं। गोदाम पे ज्यादा किसान इकट्ठे हो जाते हैं और कुछ इधर उधर की चर्चाओं से थोड़ा सा माहौल बिगड़ता है, तो सीक्वेंस ठीक से वितरण हो, सभी किसानों को पर्ची मिले, तो लाइन से गोदाम से खाद मिलती रहती है और पुलिस के सारे पर्चियाँ वितरण करके जो है खाद की सतत व्यवस्था के रूप में की गई। एमपी में नई सरकार बनने के बाद भ्रष्टाचार पर प्रशासन का एक्शन लगातार जारी है। दमोह रीवा में लोकायुक्त ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रिश्वतखोरों पर शिकंजा कसा, जहां दमोह में अंकित सैनी नाम के क्लर्क को 10,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। वहीं रीवा में एसडीएम दफ्तर के बाबू को 5,000 की रिश्वत लेते लोकायुक्त पुलिस ने अरेस्ट किया है। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, जहां दमोह और रीवा दोनों ही जगह पर ये कार्रवाई लोकायुक्त की ओर से देखने को मिली है। एक तरफ क्लर्क गिरफ्तार हुआ है, एक तरफ बाबू पर रीवा में शिकंजा कसा गया। खबर मैहर से आपको बता रहे हैं, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ। यहां तेज रफ्तार डंपर ने स्कूल की छात्राओं को टक्कर मार दी। इस हादसे में दो छात्राओं की मौके पर ही मौत हो गई। बरहिया पुल के पास ये हादसा हुआ, जहां स्कूल की इन छात्राओं को डंपर ने टक्कर मार दी। दो छात्राओं के इस हादसे में जान चली गई। तो स्कूल से घर वापस लौट रही थी छात्राएं, साइकिल में थी और साइकिल की हालत देखकर आप समझ सकते हैं कि हादसा कितना भीषण रहा होगा। शिवपुरी जिले के कोलारस थाना क्षेत्र में अनिल कुशवाहा नाम के युवक पर कुछ बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया। इस दौरान पिता को पिटता देख अनिल की बेटी बदमाशों से भिड़ गई, जिसका वीडियो सामने आया। वीडियो में भी आपको नजर आ रहा होगा कैसे यहां पर बदमाश एक शख्स को घेर कर पीट रहे हैं, और तभी अंदर से बेटी भागती हुई आती है और अपने पिता को पीट रहे बदमाशों से भिड़ जाती है। एक चाचा का लड़का था, एक बुआ का, और चार पांच कुछ अन्य थे उसके साथ में। तो क्यों किया हमला, क्या कोई बात हो गई थी क्या? एक मकान का विवाद चल रहा है पिताजी से। किसके? आपके पिताजी से? हाँ जी। तो उनके पक्ष में आए थे वो लोग। वो चाचा थे हमारे, पता नहीं चाचा थे तीनों, पता नहीं उन्होंने क्यों मारा। वो एकदम आए और उन्होंने पकड़ के मारने लगे। कितने लोग थे? करीब 7 या 8 थे। आप लोगों की शादी में मारपीट की है क्या? और अब खबर बालाघाट से, जहां पुलिस ने मुठभेड़ में 14 लाख के इनामी नक्सली को मार गिराया है। हॉक फोर्स के जवानों ने यह एनकाउंटर किया। मारे गए नक्सली का नाम चैतू उर्फ मड़काम हिड़मा है। फिल्म एक्टर राजकुमार राव ने महाकाल मंदिर में आज पूजन अनुष्ठान किया। अपनी पत्नी पत्रलेखा के साथ सुबह करीब 10 बजे महाकाल मंदिर में पहुंचकर उन्होंने गृह शांति और अभिषेक पूजन करवाया। प्रसिद्ध फिल्म एक्टर राजकुमार राव उज्जैन पहुंचे हैं। स्त्री 2 की शूटिंग के दौरान फिल्म की सफलता के लिए महाकाल मंदिर में पूजन अनुष्ठान करवाया। इस दौरान पत्नी पत्रलेखा भी साथ रही। दोनों ने महाकाल के दरबार पहुंचकर गृह शांति और अभिषेक पूजन किया। वहीं मंदिर के पुजारी यश गुरु ने पूजन सम्पन्न करवा कर बताया कि राव करीब 3 घंटे मंदिर में रहे। पति पत्नी दोनों ने पूजन अभिषेक कर भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया। बहुत टाइम से मन था कि यहाँ पे आके दर्शन करूँ महाकाल की, और बहुत ही सौभाग्यपूर्ण रहा कि आज मौका मिला और महाकाल की कृपा रही कि आज दर्शन हुए, इतने अच्छे दर्शन हुए। आई थिंक बहुत ही ज़्यादा अच्छा अनुभव रहा, और अब तो बार बार आना लगा रहेगा महाकाल की कृपा से। अभी हाँ, हम लोग स्त्री 2 की शूटिंग कर रहे हैं और उसी सिलसिले में हम लोग इंदौर लैंड की ओर यही प्लान बनाया कि पहले महाकाल के दर्शन करेंगे और फिर शूटिंग के लिए जाएंगे। महाकाल आया तो कोई धार्मिक मूवी भी बनाने का करेंगे आप? हाँ, अभी कोई ऐसी कोई कहानी आएगी अच्छी तो ऑफ कोर्स, क्यों नहीं।
राजकुमार राव ने बताया कि इंदौर के आसपास स्त्री 2 फिल्म की शूटिंग होनी है और इसके चलते वे इंदौर आए थे, इसलिए सबसे पहले महाकाल मंदिर पहुंचकर दर्शन किए हैं। राव ने कहा कि कई दिनों से इच्छा थी कि महाकाल मंदिर के दर्शन मिल जाएं, आज मेरा सौभाग्य था और मेरी इच्छा पूर्ण हुई, अब हमेशा इस मंदिर के दर्शन के लिए आता रहूँगा। वहीं शाहरुख खान अपनी बेटी सुहाना खान के साथ महाराष्ट्र के शिरडी में साईं बाबा मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। उन्होंने अपनी बेटी सुहाना के साथ साईं बाबा की पूजा अर्चना की। दरअसल बॉलीवुड किंग शाहरुख खान इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म जंकी को लेकर लगातार सुर्खियों में हैं। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इस फिल्म की कामयाबी के लिए शाहरुख खान मंगलवार सुबह सुबह जम्मू स्थित वैष्णो देवी के दरबार भी पहुंचे थे। वहीं किंग खान वैष्णो देवी के बाद शिरडी के साईं बाबा मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। इस दौरान उनकी लाडली बेटी सुहाना भी उनके साथ दिखाई दी। उनकी तस्वीरें और वीडियोस सोशल मीडिया पर सामने आए हैं।